आजकल तो लोग मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं, और आप अपना हिस्सा बांटने के लिए रेडी हो गए? आई नो, क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां और बढ़ती है सर, मेरे ऐसा करने से खुशियां बढ़ेंगी जिसका फायदा हमारी कंपनी को ही हो। आइए मिस्टर झुंझुनवाला, लेट्स गेट ऑन द डिटेल्स प्लीज। सर प्लीज कम। थैंक यू सर, आप जैसे कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आई नो, बाकी हम जैसे जूनियर्स के बारे में इतना सोचना आजकल कौन करता है सर ऐसा। हाँ मम्मी, क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है, सब ठीक तो है? शांत हो जाइए मम्मी, मम्मी रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। मम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, घर आता हूँ, ओके काम डाउन। गाइस मुझे अर्जेंटली घर जाना होगा। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम सर? मिडिल क्लास लाइफ है दोस्त, जब लगता है कि लाइफ सेटल हो गई है तुरंत कोई बैटल शुरू हो जाती है। सेम हियर। राजू, मम्मी विद्या को समझा। हाँ, उसे ये नया जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दो तो बच्चे हैं पेट में, नौकरी के धक्के खाएगी, और कुछ हो गया ना तो लोग क्या कहेंगे, अरे सास को ना बहू की कमाई चाहिए थी, इसे नौकरी पे लगा दिया। काकू क्या बोले जा रही हैं आप, अगर कुछ होना हो तो घर पे भी हो सकता है ना, समझाइए ना। काका आप तो कुछ बोलिए। राधिका आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। पता है आज किशोरी का फोन आया था, कह रही थी उसके बगल वाली बिल्डिंग में ना एक लड़की रहती है, इसी की उम्र की होगी विद्या की, वो भी ऐसे ही प्रेग्नेंट थी, बस से जा रही थी नौकरी के लिए और चक्कर आके गिर गई, हो गया ना मिसकैरेज। बताइए कितने में पड़ा, नहीं चाहिए मुझे पानी। उसकी सास को जरूरत होगी बहू के पैसे की, मुझे नहीं जरूरत है, मैं ये सब नहीं होने दूंगी, बता रही हूँ। हाँ गलत हूँ क्या मैं? अरे आप चुप क्यों हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ राधिका, विद्या क्या कह रही है इस बार सुन तो लो। आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। दादी मुझे तो लगता है इसी आदमी ने बोला है मम्मी को जॉब करने के लिए। इसको समझा दे चुप रहे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे। और कर भी क्या सकता है तू, सिर्फ हाथ चलते हैं और जुबान चलती है तेरी, घर चलाना सीख ले पहले। तू बाहर जा, कहा ना बाहर जा। माँ सखी और अथर्व दोनों के टाइम पे ना पूरी प्रेगनेंसी के टर्म में मैंने जॉब की थी, इनफैक्ट अथर्व का लेबर पेन भी ऐसे वो जॉब के रास्ते में ही शुरू हुआ था माँ, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बंधु क्या बात कर रही है तू, हाँ तू जवान थी बंधु, बच्चे पैदा करने की उम्र थी तुम्हारी, विद्या का वैसे नहीं है। अरे तुम सब मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? माँ आपको टेंशन है विद्या की प्रेगनेंसी की, तो उसको भी तो फिक्र है ना अपनी प्रेगनेंसी की। हाँ गायनाक से बात करके ही उसने ये डिसीजन लिया है राइट? हाँ। तो अगर गायनाक को जरा भी डाउट लगता, जरा भी ऐसा लगता कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो वो खुद ही मना कर देती ना कि विद्या। वही तो मैं कब से वही समझा रही हूँ लेकिन मान ही नहीं रही हूँ आप काकू। विद्या मैं ना माँ हूँ, मेरा बेटा नहीं है ये 47 साल का है और 22 साल के बाद वापस आए, भगवान ने उसे 22 साल के बाद मेरे पास भेजा है और भगवान ने ये दिन दिखाया है कि उसके दो बच्चे होने वाले हैं। अब बताओ विद्या की नौकरी करने की जिद की वजह से मैं ये सारी खुशियां छोड़ दूं? हाँ राधिका आप चुप रहिए। ओह चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मैंने कह दिया ना
विद्या नौकरी नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी बस। बंधु कुछ नहीं चलो। राजू गलत थी क्या मैं? हाँ गलत बोल रही हूँ क्या? राधिका वाला ये कभी गलत कह सकती? क्या है सबको बस विद्या की पड़ी है। विद्या जॉब करेगी तो उसका मन प्रफुल्लित रहेगा, वो खुश रहेगी। अगर वो खुश रहेगी तो उसका पॉजिटिव असर बच्चों पर होगा, मनोज दादा का भी स्ट्रेस कम होगा, फिर घर में झगड़े नहीं होंगे। अच्छा बात तो सच है ना? क्या लगता है विद्या को कुछ गलत तो नहीं होगा ना? राधिका मासी के फूड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज के हेड शेफ बनने की खुशी में मैंने यानी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षे जोशीपुरा ने और मेरी अर्धांगिनी यामिनी जोशीपुरा ने कुछ कविताएं लिखी है। और एक मिनट, मम्मी के बनाए हुए ये जो हेल्दी लड्डू है और जो हेल्दी ड्रिंक है उसकी टेस्टिंग शुरू करें। मुझे थोड़ा कमी देना। बहुत कमीन आदमी है। बकु भाई ये जो लड्डू है और हेल्थ ड्रिंक है ना ये खास कर प्रेग्नेंट औरतों के लिए। नहीं एक मिनट, दक्कू भाई का जिस तरह से पेट निकला हुआ है आप पी सकते हैं। दादी अब सेंटर में आइए। नमस्ते नमस्ते। मैंने अपने अनुभव से और मेरी सासू माँ माँ और दादी और नानी इन लोगों से ना कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी प्रेग्नेंट लेडीज की सीखी थी। तो अब एक हेल्थ ड्रिंक बनाया मैंने उससे और एक पौष्टिक लड्डू बनाए हैं। ये देखिए ये बनाए हैं। मुझे आशा है आप सब प्रेग्नेंट लेडीज को ना ये सब बहुत पसंद आएगा। राधिका आंटी इस बात में कोई दो राय है ही नहीं, आपकी बनाई हुई ये सारी चीजें ना वो प्रेग्नेंट लेडीज को पसंद ही आएंगी। मैं वारंटी देती हूँ। गारंटी ना ज्योति भाभी? नहीं नहीं मेरा मतलब वारंटी है। क्योंकि आजकल सारी चीजों पे वारंटी तो मिलती है, गारंटी कहाँ मिलती है। वाह वाह वाह। आप देखना राधिका आंटी आपके ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए ना सारी लेडीज फटाफट प्रेग्नेंट हो जाएंगी। क्या ज्योति बहनी ये आप क्या कह रही है? हमारे भारत की जनसंख्या पहले से नियंत्रण के बाहर है। सॉरी जोक्स मारा। देखो कौन बोल रहा है जो खुद इस उम्र में देश की जनसंख्या बढ़ा रहा है। मंगेश। अरे मम्मी जोक था, जोक मार रहा था मैं। दादी आपकी ड्रिंक। विद्या चलो हमारी ब्रांड एम्बेसडर और पहली क्लाइंट पियो और बताओ कैसा है। मैं बचाता हूँ। एक मिनट लो विद्या। कैसा लगा? अच्छा है ना? क्या हुआ पसंद नहीं आया? विद्या कैसा लगा ड्रिंक? कैसा लगा? बहुत अच्छा बनाया काकू बंधु। वाह 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 सुपर। पीले पीले। बताओ ना रिव्यू तो दो। अरे सुपर बनाया बंधु। काकी 10 काउंटिंग होने से पहले पी जाओ। One, okay. Two, three, four, five, six, seven, eight. अरे, ओह,
क्या बात है, वेरी गुड, वाह मजा आ गया काकू। ओके सो विद्या हमारी फूड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज की पहली क्लाइंट जरूर है, पर हम अपने स्पेशल खाने के पुराने क्लाइंट्स को नहीं भूल सकते ना, इसलिए हमने बाकी सबके लिए भी स्पेशल डिनर अरेंज किया है, वो अभी लगाया जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, इसे कहते हैं माँ अन्नपूर्णा का अवतार। धन्यवाद, थैंक यू दीपू, महाप्रसाद का वितरण किया जाए। वो महाप्रसाद बांटने में मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं भी। चलिए कुछ तो हो रहा है विद्या को। विद्या क्या हुआ, ठीक हो ना? ठीक तो ना, कुछ तो बोलो। विद्या मम्मी तो ठीक तो है काकी, क्या हुआ इसे? विद्या तुम ठीक तो हो? विद्या दरवाजा खोलो। विद्या मनोज देख क्या रहा है, डॉक्टर को फोन करना। विद्या मैं करती हूँ। हाँ कर। विद्या जवाब तो दो। विद्या क्या हुआ आपको? ये डॉक्टर के पास ले चलते विद्या को। विद्या हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम दरवाजा खोलो तो हॉस्पिटल चलते विद्या। अचानक क्या हो गया, क्या हुआ क्या? ये पक्का दादी ने ड्रिंक में कुछ गड़बड़ की है। क्या बोल रहा है? मंगेश कुछ भी क्या बोल रहा है? अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहा है, मैंने सब कुछ बराबर बनाया था। अरे बंधु। हाँ हाँ माँ, मैंने खुद देखा है, सब सही था। दादी आपको आजकल याद कहाँ रहता है कि आप कौन सी चीज में क्या डाल रहे हो? आज ही मम्मी बोल रही थी कि आपने आटे में तेल की जगह फिनाइल डाल दिया था। क्या भाई कुछ भी बोल रहा है तू मंगेश? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और मम्मी ने यह चीज मनोज के सामने बोली थी। विद्या विद्या विद्या, मम्मी को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या बोल रहे तू? चुप बोलो। क्या हुआ राज? विद्या मनोज कुछ करना, दरवाजा तोड़ दे। विद्या देख राजू, मुझे पता है तू और वहनी जब अकेले में मेरे बारे में बात करते हो तो इसी बात का टेंशन लेते हो ना कि मैं विद्या की होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से संभाल पाऊंगा कि नहीं, है ना? तो आज मैं तुझे प्रॉमिस देता हूं, मैं इन सब की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। हाँ I'm sure, लेकिन हम मतलब दोनों ऐसी बातें नहीं करते। छोड़ना यार, बताया मेरे को, अब निकलता हूं, लेट हो जाऊं। कैसा वार्ड बॉय है तू, एक पैसे की नॉलेज नहीं है। ए, मैं कोई वार्ड बॉय नहीं हूं समझा ना, सिर्फ हॉस्पिटल में काम करता हूं, असिस्टेंट हूं मैं। फिर भी इतनी गलत दवाई दे दी तूने, मुझे बोला था ना कि मम्मी को यह दवाई किसी भी खाने या पीने की चीज में मिक्स करके दूंगा तो उनका मिसकैरेज हो जाएगा। कब से तेरी दी हुई टैबलेट का पाउडर बना के मौके का वेट कर रहा था मैं। आप लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है जल्दी आ, ज्यादा टाइम मत लगा। हाँ। और फाइनली वो मौका आया। दादी ये मैं कर लेता हूँ, आप जाओ वहाँ पे। नहीं बना तो लिया है, बस ला रहा है ग्लास। हाँ हाँ मैं ले आऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, हुआ तो सिर्फ फूड पॉइजनिंग, और अब तो वो घर भी वापस आ रही है मनोज के बच्चों को पेट में लेके। ये मंगेश थोड़ा धीमे बोल, इधर उधर कोई सुन लेगा ना तो मेरी शामत आ जाएगी। मैंने तुझसे कहा था ना कि इस दवा का असर 3-4 घंटे के बाद होता है, लेकिन तुम लोग आंटी को उठा के हॉस्पिटल तुरंत ही लेके चले गए। अगर थोड़ी देर इंतजार करते ना तो 100% ब्लीडिंग भी होती, उनकी जान को खतरा भी नहीं होता और मिसकैरेज भी हो जाता।
क्या क्या सपने देख लिए थे मैंने कि मनोज के बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही चले जाएंगे, पर किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा, सारा प्लान चौपट हो गया। अच्छा मंगेश, तुझे इन बच्चों लोगों से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो उस मनोज वागले के बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद मुझसे मेरी मम्मी को भी छीनना चाहते हैं। एक तो ये वागले की बूढ़ा बूढ़ी, ये बच्चों के आने के बाद उनके हिस्से में जो कुछ भी है उनके तीन हिस्से हो जाएंगे। मैंने अपना गांव छोड़ा, अपना बाप छोड़ा, अपने दादा को छोड़ा सिर्फ इसलिए कि मेरे हिस्से में मेरे माँ का प्यार भी ना है और जायदाद का तीसरा हिस्सा है। नहीं बाबू, मैं ये नहीं होने दूंगा और इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगा। अगला मौका आने दे, मैं मनोज वागले के बच्चों को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगा। अथर्वा, 6:30 बजे का अलार्म था ना, हाँ? बार बार बंद करने के बजाय टाइम से उठ गए होते तो अभी नाश्ता करने के लिए टाइम होता तुम्हारे पास। बिना चबाए ठूसे जा रहे हो, अटक जाएगा गले में। अब सैंडविच कैसे खाना है ये भी आप मुझे सिखाओगे? हेलो, ये क्या तरीका हुआ मम्मी से बात करने का? हाँ जाने दो, अपसेट है। अपसेट है? कब तक अपसेट रहोगे, कितना खींचोगे इस बात को? अब एक हफ्ता हो चुका है ना अपना, मूव ऑन। अरे तो क्या, अब तक तो तुम्हारे कॉलेज वाले भी भूल गए होंगे लेडी रजनीकांत को। जब मैं फ्राइडे पे गया था तब नहीं भूले थे कि हमने कॉलेज में आके क्या किया। क्या किया? तुम्हारा जूता वापस दिलवाया था तुम, जिसे पहनकर तुम कॉलेज जा रहे हो। जिसे पहनकर मैं पैदल कॉलेज जाऊंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल स्टेशन तक जाऊंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल प्लेटफॉर्म पे चलूंगा, जिसे पहनकर मैं पैदल बस पकड़ूंगा। अच्छा दिक्कत क्या है, कि जूते वापस मिल गए या तुम्हें पैदल चलना पड़ रहा है? मुझे प्रॉब्लम इससे है कि पैदल चल चल के ना मेरे जूते घिस चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक दिलवा दे तुम्हें। हाँ आपको पता है मेरा एक दोस्त है वो स्पोर्ट्स बाइक पे आता है। कुछ भी, हाँ लाइसेंस किसने दिया उसे? डैडी वो बाइक ना शॉफर ड्रिवन है। एनीवेज उसके पास क्या क्या है मैं सब गिनाने बैठूंगा ना तो। हमारे पास क्या क्या नहीं है आजकल ये तुम कुछ ज्यादा नहीं गिनवा रहे हो? हा? मतलब जो है हमारे पास उसके लिए थैंकफुल होना तो छोड़ दिया है तुमने। पता था मुझे मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो उसे भी आप मेरी गलती मानोगे। जा रहा हूँ। अथर्व सैंडविच फिनिश करो बेटा पहले। नहीं 8:43 की ट्रेन पकड़ी है ना मुझे, क्योंकि मैं कैब लेके तो कॉलेज जा नहीं सकता। तो हेलो, कैब लेकर जाना है तो सुबह 8:15 बजे निकलना पड़ेगा घर से। तुम ट्रेन से जल्दी पहुंचते हो ना इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है सोने के लिए। वाह कितना लकी हूं ना मैं। तो ज्यादा बदतमीज नहीं हो गया?
रोज, रेड रोज। वो सीनियर ने कहा था रोज देने को। अच्छा, सीनियर्स ने कहा था? हाँ। फिर तो तुम्हें और एक थप्पड़ पड़नी चाहिए। तुम्हारी अपनी अकल नहीं है? अगर सीनियर्स कहेंगे ये बिल्डिंग से कूद जाओ, तो तुम कूद जाओगे? वो तो डिपेंड करता है ना, कौन से फ्लोर से कूदने के लिए बोल रहे हैं। इडियट। ओ, ये लड़की तो टोटल डेंजर है। आई थिंक न्यू एडमिशन है ना? हो सकता है, पर काश एक कॉमर्स स्टूडेंट हो यार। पसंद आ गई? ओह नो। अरे अब क्या हुआ? ब्रो, मैं जब फ्राइडे को क्लास में आया था तो सब मादा लाड लगा रहे थे। इमेजिन आज क्या होगा। अरे कम ऑन ब्रो, बीच में सैटरडे संडे भी आके गया, अब तक तो सब गाना भूल भी गए होंगे और इनफैक्ट तेरा नाम भी भूल गए होंगे। चल एंट्री ले, फुल कॉन्फिडेंस। पक्का? हाँ चल। तुम्हारे एंथम गा रहे हैं और ये लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि तेरा स्पेशल गाना तुझे सुना सके, पर तू इन्हें डराएगा। क्या करेगा, मम्मी से शिकायत करेगा फिर से? बेटा ये नाम और ये गाना तेरे साथ अगले 5 साल तक अटैच्ड रहेगा, एंड यू कांट हेल्प इट। तू इन सबका लीडर है क्या? मैं जहां भी जाता हूँ वहां का लीडर बन ही जाता हूँ। ये अभी की सुपर पावर है, मेरा सिंपल सा मोटो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या था? अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्त, अभी नहीं तो कभी नहीं। सुना? अबे इसके शूज तो फेक है। तूने ये शूज के लिए इतना बड़ा सीन क्रिएट किया? जी, मिडिल क्लास। छोड़ो ना यार अथर्व, डोंट ग्लोरीफाई देम विद रिस्पॉन्स। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ, कुछ चाहिए अथर्व? I love you. I love you. Bro, इससे तो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग थप्पड़ पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ रोज दिया था, इसने तो आई लव यू बोल दिया। यही करना था ना, कर दिया। ब्रो, तुझे पक्का थप्पड़ नहीं पड़ा? नहीं। तूने नन्या को आई लव यू भी बोला और वो नाराज भी नहीं हुई। तुझे पता है ना, कृष के गालों पे उंगलियां प्रिंट हो गई थी अनन्या की। आई नो ब्रो, पर बात क्या है ना, उसे समझ ही नहीं आया कि मैंने उसे आई लव यू बोला। वो कैसे? मैं बताता हूँ ना। एक्सक्यूज मी, क्या
क्या हुआ? कुछ चाहिए अथर्व? तुम्हारा फिल्मी गानों को लेकर नॉलेज कितना है? अच्छा है, मैं अंताक्षरी क्वीन थी 10th के फेयरवेल में। मुझे ना हेल्प चाहिए थी। एक गाना है, वो गाना किस फिल्म से है अगर तुम बताओगे तो अच्छा रहेगा। I love you. I love you. ऐसा ही गाना एंड होता है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मिस्टर इंडिया का गाना था अथर्व। हाँ। ब्रो, तुझे पक्का यकीन है कि अनन्या को समझ नहीं आया तूने क्या किया? I don't know bro. देख, अगर समझ में नहीं आया फिर जो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और अगर उसे समझ में आया होगा फिर भी वो हंसी फिर तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। Because she likes me. तूने उसकी गाड़ी देखी है? वो अभी के लीक की है, ना कि तेरे लीक की। I think Aditi likes you. Aditi? नहीं यार, she's a good friend but. वैसे एक बात बोलू bro, जब ये बात अनन्या को पता चलेगी ना तो वो पक्का सेगी। मम्मी ने ना हमेशा के लिए मेरी इमेज खराब कर दी है। सखी मैडम, फ्रूट कस्टर्ड हाजिर है। फ्रूट कस्टर्ड? Yes. अब मैंगो कस्टर्ड बनाने वाली थी ना? हाँ बनाने वाली थी, बट डैडी ने सारे फ्रूट्स काट दिए क्योंकि उनको फ्रूट कस्टर्ड खाना था, तो मैंने भी बना दिया। बट डैडी को पता है ना आपको मैंगो कस्टर्ड पसंद है। हाँ तो मैं मैंगो चुन के खा लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है सखी? बड़ी बात नहीं है मम्मा, बट इम्पोर्टेंट तो जरूर है। आप डैडी के लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल रखते हो तो उन्हें भी रखना चाहिए। समझ गई क्यों बोल रही है। वो डिलीवरी बॉय के 600 रुपए वाले केस में डैडी ने बोला छोड़ दो तो मैंने भी कहा जाने दो। हाँ है ना, इसीलिए ये सब सुना रही है ना। हर बात में लड़ना जरूरी नहीं है सखी। इतनी लड़ाकू कब हो गई तू? हाँ मैं और लड़ाकू? हेलो मम्मा, दिस इज टू मच। वैसे लेडी रजनी का नाम किसका पड़ा है? आपका। याद मत दिला, अथर्व आज भी नाराज होकर गया कॉलेज। कब तक अपसेट रहेगा, कब नॉर्मल होगा? सीरियस है, खड़े रहे, प्रिंसिपल सर राउंड पर है। हाँ तो इसमें तो नहीं क्या डरने की बात है, जब आएंगे तो विश कर देंगे प्रिंसिपल को। अबे तू जानता नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है वो, जरा सी बात पे ना इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। ये सुनिए, एक मिनट एक मिनट, ये देख क्या हो रहा है। प्रिंसिपल सर। अरे ये प्रिंसिपल अनन्या से बात कर रहे हैं। अनन्या प्रिंसिपल की पहचान वाली है। मैंने सब सुन लिया है, तू बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया है। अगर सीनियर्स को रेट आउट किया तो फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल हो जाएगी, और अगर फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल हो गई तो ये पूरा कॉलेज तुझे हेट करेगा, और अगर नहीं किया तो वो अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेगी और शायद तेरे पास से कॉलेज भी नहीं रहे। कल रात को खुशी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो हो जा तू भी रस्टिकेट, मैं भी छोड़ दूंगा कॉलेज। अरे ब्रो, हमने इतनी मुश्किल से इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, और अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? स्ट्रीट लैंप के नीचे। नॉट अ बैड आइडिया। अरे भैया सुनो ना, मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी। क्या? आप लोग प्लीज प्रिंसिपल सर को बोल सकते हो कि मैंने आपके कहने पे अनन्या को आई लव यू बोला था, प्लीज। सर दिमाग खराब हो गया? अरे आप लोग सीनियर्स हो, आप लोगों को मेरी हेल्प करनी चाहिए, प्लीज। हेल्प चाहिए?
तेरी हेल्प तो बेटा प्रिंसिपल सर ही कर सकते हैं। जा उनको जाके सॉरी बोल। वो देख प्रिंसिपल सर। अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ जा अभी मौका है बोल दे। चल ऑल द बेस्ट सर। सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गई तुम्हारी मम्मी? मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। मैं मेरी मम्मी को कॉलेज में नहीं ला सकता हूँ। आप जो बोलोगे ना मैं वो करूंगा। प्लीज मेरी मम्मी को बुलाने के लिए मत बोलो। अच्छा चलो ठीक है बकरा बन जाओ। बकरा? हाँ बकरा। अरे वो चार पैरों वाला जानवर घास खाता है मिमियाता है। हाँ वही बकरा। चलो 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 बकरा बन जाओ। ये रेस्टिगेट ही होना है। नहीं नहीं मैं बकरा बनता हूँ। चलो मैं अच्छा चलो मेरे साथ बोलो। कड़क स्पेशल चाय 20 रुपया कटिंग का 10 रुपया। बोलो बोलो स्पेशल कड़क चाय। स्पेशल चाय 20 रुपया कटिंग चाय 10 रुपया। अबे वो प्रिंसिपल सर नहीं है गोपी दादा है अपने कैंटीन वाले। हर बार सीनियर्स किसी एक जूनियर को बकरा बनाते हैं और इस बार तुम्हें चुना गया है। स्वीटहार्ट तूने अगर अनन्या का थप्पड़ खा लिया होता तो आज तेरी जगह शायद कोई और बकरा बन रहा होता। तूने वहां स्मार्टनेस दिखाई और यहां फंस गया। कैसा ट्रेडिशन है ये? क्यों करनी होती है प्रैंक्स? क्योंकि ये फिजिकल टॉर्चर नहीं है पर मेंटल टॉर्चर तो है ना। एक इंसान को लाइफ टाइम ट्रॉमा देता है। आप लोगों को पता है मैं कितना परेशान हो गया था। घर जाते हुए डर गया था। आप लोगों के लिए ये सिंपल सा प्रैंक है। मजा है फन है आमलेस है। कौन सी खुशी मिलती है आप लोगों को ऐसे एक इंसान को ह्यूमिलेट करने में? इस जूनियर को तो जुबान है यार। क्या करेगा फिर से कंप्लेंट करेगा? नहीं पर मैं ये जरूर कहूंगा मैं जब सीनियर बनूंगा तो अपने जूनियर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अथर्वा ब्रो ये सब कहने की बात है यार। जब तू सीनियर बनेगा ना तुझे और नए नए आइडियाज आएंगे प्रैंक के। चल तेरा प्रैंक पूरा हुआ। फ्रेशर्स पार्टी में ऐश करना। क्यों भाई लोग? यस आ जा। अरे आ जा। चलो गाइस अपने अपने क्लास में जाओ। तू भी अपने क्लास में जा। आई एम सॉरी सर। यस सर आई एम सॉरी सर। थोड़ा जोश जोश में बच्चों को परेशान किया हमने। फिर से नहीं होगा सर आई प्रॉमिस। यस सर प्रॉमिस। आप दोनों को मालूम है महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1999 के तहत मैं आप दोनों को सस्पेंड कर सकता हूँ। सर हम प्रॉमिस करते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओके गो बैक टू योर क्लास। ओके सर। यस सर। अथर्व वो एक्चुअली ना अभी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। वो उसका मेरी बेंच पे बैठना एंड मेरा दूसरे बेंच पे जाके बैठना इट वाज ऑल अ प्लान।
तुम्हें साइक करने के लिए एंड तुम ना बहुत हीरो बन रहे थे, स्टाइल में नाम बताया और अभी को उल्टा सीधा जवाब दिया, सो इसलिए वी प्रैंक्ड यू। और एक बात, वो सीनियर्स है ना, वो अभी को बहुत पहले से जानते हैं, आफ्टर ऑल दे ऑल गो टू द सेम जिम, और हमारा आइडिया था कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, पर तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखा के नॉर्मली आई लव यू बोलने के बजाय तुमने गाना गा के आई लव यू बोला, सो वी डिसाइडेड टू अप द गेम एंड इट वाज क्वाइट फन, समझ गए, सो बाय बाय। एक काम करो, आप डैडी से बात करो और टाइम देख के मैं भी अथर्व को समझाऊंगी। खरगोश और कछुआ, ये जो कहानी है उसका कभी नया वर्जन आएगा जो मेरी बिलीफ सिस्टम को झिंझोड़ के रख देगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहाँ अथर्व की बात को सीरियसली ले रहे हो, हम जानते हैं ना उसे, कभी कभी कुछ भी बोलता है वो। जानते हैं पर शायद अब पहचानते नहीं। इतनी सी बात पे इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो? किंतु पहले वो हमसे सीखता था, हम बाहर वालों से सीखने लगा। हाँ सीखने लगा है, पर हमने भी सिखाना थोड़ी ना छोड़ दिया है। हाँ तुम ही कहते हो ना राज, पेरेंटिंग इज अ नेवर एंडिंग जॉब। पर गलत नहीं था वो बंदू, शायद गलत नहीं था। तुम जानते हो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी क्या है राज? तुम ऑनेस्ट हो, सच्चे हो, मेहनती हो, और जो काम करते हो उसमें बहुत सक्सेसफुल भी हो। अथर्व की इतनी सी बात की वजह से अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना उसको डगमगाने मत दो। हाँ राज देखो, अथर्व तो जाएगा ही ना बाहर की दुनिया में, हर तरह के लोगों से मिलेगा, हो सकता है कभी उसके कदम डगमगाएं, कभी वो गलत रास्ते पे चल पड़े, तब एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उसे सही रास्ता दिखाएं। सही कह रही हो शायद। क्या कुछ आया दिमाग में? सुनो ना, बताओ तो। ओके लिख के बताता हूं। हो गई आप लोगों की मेरे खिलाफ प्लानिंग? इतने रूडली बात क्यों की तूने डैडी से? एक हफ्ता नहीं हुआ है तेरा कॉलेज शुरू होके और तेरे रंग दिखने लगे हैं। रंग दिखने लग गए? मैंने सिर्फ उन्हें इतना बोला है कि मुझे कॉलेज के कैंपेनिंग के लिए पैसे चाहिए। पर बोलने का एक तरीका होता है अथर्व, डैडी है वो हमारे। दीदी आपको पता है जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था ना तब स्कूल से मुझे एक सर्कुलर आया था क्लास मॉनिटर बनने के लिए स्पीच देनी होगी, तब याद है घर में क्या हुआ था? सब लोग जुड़ गए थे मुझे क्लास मॉनिटर बनाने के लिए, मेरी स्पीच तैयार कर रहे थे कि मुझे क्या बोलना चाहिए, तब मेरे लिए क्लास मॉनिटर बनना इम्पोर्टेंट था या नहीं था मुझे नहीं पता, पर इन सब लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट था ना, और तब क्लास मॉनिटर बनने के लिए स्पीच जरूरी थी, तो अब क्लास लीडर बनने के लिए मार्केटिंग जरूरी है, तब मैंने लोगों की बात सुनी ना, तो अब इनको मेरी बात सुनने में क्या दिक्कत है? स्पीच फ्री ऑफ कॉस्ट थी और तुम 20,000 मांग रहे हैं। वो कुछ नहीं, चुपचाप उठा और डैडी से सॉरी बोल। हाँ वो तो मैं बोल ही दूंगा, पर मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। और आप ही बताओ, आप भी कॉलेज लाइफ से गुजरे हो, तो अब के जमाने में हमें स्लो एंड स्टेडी कछुआ बनना चाहिए या फास्ट एंड फ्यूरियस खरगोश बनना चाहिए? जाओ। कम इन। अथर्व आपसे कुछ बात करना चाहता है। बैठो। तुम कुछ बोलो, उसके पहले डैडी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं बंधु, मुझे जो कहना था वो मैंने लिख लिया है, वो अथर्व पढ़ लेगा। क्यों पढ़ेगा क्यों, आप ही पढ़कर सुनाइए ना। मेरे थॉट्स नहीं है, ये अब्राहम लिंकन ने लिखा था, लेकिन मुझे
सही और सटीक लगाया, इसलिए मैंने उसे अपने शब्दों में लिखा है। डियर अथर्वा, मुझे पता था आज तुम मुझे सॉरी बोलने वाले हो, पर मुझे वो सॉरी नहीं चाहिए। मुझे बुरा लगा, इसलिए अगर ये सॉरी है उसके लिए तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेटा, तुम्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अगर तुम्हारी अपनी अलग पहचान बनानी है तो मैं ना नहीं कहूंगा। इलेक्शन में हिस्सा लेकर शायद पढ़ाई पर असर होगा, तुम्हारे नंबर भी गिर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम फेमस होंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी तुम इलेक्शन लड़ो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के बाद शायद तुम्हारे दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, बट इवन देन दैट डजंट मैटर। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा ऑफ द बेस्ट। लेकिन इस खत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे अंदर जो नई चीजें आजमाने का हुनर है उसे मैं कभी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी, है और हमेशा रहेगी। लव यू बेटा। I'm sorry, Daddy. मैंने आपसे बहुत रूडली बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब अब पैसे मिलने से रहे। मेरे ख्याल से लीडरशिप का भूत इलेक्शन तक नाचेगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। पर इसके इलेक्शन है कब और किसके खिलाफ लड़ रही है? Dates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.